मुंबई के बोरीवली पश्चिम एमएचबी पुलिस ने दो ऐसे शातिर बुलेट बाइक चोरों को गिरफ्तार कर लिया है जो महज कुछ मिनटों में ही बुलेट बाइक चोरी कर फरार हो जाते थे। 29 मार्च को फरियादी द्वारा एमएचबी पुलिस स्टेशन में बुलेट बाइक चोरी का मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस उपनिरीक्षक अखिलेश बॉम्बे ने अपनी टीम के साथ मामले की जांच शुरू की है। आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। आसपास के इलाकों के सीसीटीवी की जांच में बुलेट बाइक चोरी कर ले जाते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उनकी फोटो निकालकर आसपास के इलाके के लोगों को दिखाया। आरोपी की पहचान एक गैरेज में मैकेनिक के रूप में हुई है। पुलिस वालों ने उसको अपना दोस्त बताकर आरोपी का मोबाइल नंबर निकाला। मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस करने पर आरोपी गुजरात में होने के बारे में पता चला। पुलिस उपनिरीक्षक अखिलेश बॉम्बे ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में टीम बनाकर गुजरात के बहादुरगढ़ गच्छ से एक आरोपी को रंगे हाथ बुलेट के साथ गिरफ्तार किया। जांच में दूसरे साथी को एक बुलेट बाइक को पेट करते हुए गिरफ्तार किया। दूसरे आरोपी के पास से जो बुलेट बाइक बरामद हुई है वो सांता क्रूज पुलिस स्टेशन से चुराई गई है। मुंबई से रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। दो बुलेट चोरों को गिरफ्तार किया है, क्या है मामला? एमएचबी पुलिस स्टेशन में 28 मार्च को फिरियादी नामे राज भट्ट, इन्होंने एक एफआईआर दर्ज किया है कि उनकी एनफील्ड बुलेट का एनफील्ड रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। उनका चोरी का एफआईआर दर्ज करने के बाद एमएचबी पुलिस स्टेशन के पीआई शिंदे और डिटेक्शन ऑफिसर पीएसआई बॉम्बे एंड स्टाफ, उन्होंने वहां के सीसी कैमरे चेक किए तो सीसी कैमरे में हमें दिख रहा है कि उनका बुलेट दो आदमी वहां से उठा के लेके जा रहे हैं। फिर सीसी कैमरे से हमने उनके फोटो रिकॉर्ड किए और फोटो से पीएसआई बॉम्बे और स्टाफ ने वहाँ जो जो में थोड़ा इंक्वायरी किया तो हमें ऐसा समझा कि वो मैकेनिक का काम करता था और गुजरात से बिलोंगिंग है। तो पी एस आई बॉम्बे और उनके स्टाफ ने एकदम स्किलफुली वहाँ कुछ ये जो इंसान गए हैं उनके साथ हमारा कुछ काम है, उनको कुछ देना है, उस हिसाब से उनका फ़ोन नंबर लिया। फ़ोन नंबर से उन्हें वो लोकेशन ट्रैक किया और लोकेशन उनका गुजरात मिला। गुजरात जाने के बाद उन्होंने लोकेशन से आरोपी नामे पुनेश कोहली, इसको हिरासत में लिया। उसको हिरासत लेने के बाद उसके उसके हेल्प से जो दूसरा आरोपी है संजय कोहली, उसको भी हिरासत में लिया। दोनों भी 24 और 22 साल के हैं, यंग है, और उनके पास से एमएचबी पुलिस स्टेशन की जो चोरी की हो रही रॉयल एनफील्ड की बुलेट, और हमें वहाँ जाने के बाद सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में भी ऐसे ही उन्होंने चोरी की है तो उनकी भी एक बुलेट मिली है एनफील्ड रॉयल एनफील्ड की। तो हमने दो एनफील्ड रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल रिकॉर्ड की है। आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है, इससे पहले उनके ऊपर कोई केस दर्ज? आरोपी का नाम है पुनेश कोहली और संजय कोहली, और उन्होंने सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में एक बुलेट का रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल चोरी की है और एमएचबी भी की है। तो उनके ऊपर अभी दो गुने हैं, बाकी कुछ गुने हैं तो हम उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। बुलेट की चोरियां कैसे करते थे और गुजरात में ले जाकर करते क्या? वो कुछ विदाउट एक तो उनके पास मास्टर की और अदरवाइज वो कुछ तार पे तार जोड़ के इंटरनली कुछ फंक्शन करके चलाते हैं और वो गुजरात जाके वो